सक्सेसफुल वुमेन को टाइम कहाँ से मिल जाता है रेडी होने के लिए? पार्टी क्या करूं, जाना ही पड़ेगा। एक तो दिल्ली में सबको दिखावा करने की इतनी आदत है ना, क्या करें, क्या पहनूं, क्या पहनूं? नहीं है मुझे हेल्प करने के लिए। बाला, थैंक गॉड तुम आ गए। बाला प्लीज हेल्प ही ना, मैं कौन सी ज्वेलरी पहन के जाऊं वो पार्टी में? तुम्हें पता है ना आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टाफ पार्टी है। हाँ, सारे लेक्चरर्स और प्रिंसिपल्स को बुलाया है। बताओ ना क्या पहन के जाऊं मैं? ये कैसा लग रहा है? नहीं यार, ये नहीं। क्या पहनूं फिर? What about this one? ये कैसा? फंदू, ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन है। तुम्हें पता, देखो यूनिवर्सिटी लेवल की पार्टी है और तुम कॉलेज के प्रिंसिपल हो, तुम्हें तो अच्छा लगना ही चाहिए। What about this one? ये देखो, ये देखो, ये तो ओल्ड फैशन भी नहीं है। लेकिन मजा नहीं आ रहा। भला क्या करूं, और कुछ नहीं है मेरे पास। रहने दो, मुझे नहीं जाना है वैसे। मैं अपनी सिंपल चेन ही पहन लेती हूं। बैठो। खूबसूरत चीजें खूबसूरत लोगों के और भी अच्छी लगती हैं। बहुत प्रिटी लग रहा है। बाला, तुम क्यों मेरे लिए ये? क्या जरूरत थी इसकी? तुम्हारे पास बिल है ना? प्लीज गो एंड रिटर्न। एक मिनट फंदू। सबसे पहली बात कि ये हार उतना एक्सपेंसिव नहीं है, और दूसरी बात कि अगर ये उतना एक्सपेंसिव होता भी तब भी मैं जरूर लाता। बाला एक बात बताओ मुझे, क्या तुम मेरी और श्रवु की खुशी नहीं देखती? फंदू, हर महीने तुम्हारी लिस्ट इसलिए छोटी हो जाती क्योंकि हमारी लिस्ट में कुछ ना कुछ ऐड करना होता है। तो क्यों करती हो ये सब बताओ मुझे? क्योंकि प्यार करती हो हम लोगों से? मैं भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, तो क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता? मैंने जब ये इन्विटेशन देखा था, मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि इस पूरी पार्टी में सबसे खूबसूरत मेरी बीवी लगेगी। तो है ना तुम्हें ये पहनो भी नहीं से। बहुत पसंद। Definitely wear it. सिमी, जल्दी फोन करो ना रमन को, मुझे जाना है प्लीज। सुन, सब लोग यहाँ पर खाना पीना शुरू करने वाले हैं, तो अभी रमन भाई को फोन नहीं कर सकती, सब कुछ शक हो जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर में रमन भाई को फोन करती हूँ और उनको यहाँ पिक करने के बहाने बुला लेती हूँ। उसी बीच तू निकल जाना, ठीक है? हाँ, जल्दी जल्दी प्लीज। ओके यार ऋषिता, केक हमने मिलके बनाया था यार, तुम कब से फोन पे बात करने जा रही हो? चार्जिंग पे लगा रही थी ना। हाँ, वो डेकोरेशन हो गया। इससे सुंदर केक कहीं देखा तुम? वैसे एक बार माननी पड़ी पता कि तुम एक अच्छी कुक बन सकती हो ना, थोड़ी मेहनत नहीं पड़ेगी। लेकिन आई मीन, केक भले तुमने बनाया हो, लेकिन केक की ब्यूटी तो इन ड्राई फ्रूट से आई। हाँ बेटा, केक क्या है ना, कुछ वैल्यू है ही नहीं बिना ड्राई फ्रूट्स के। ऐसा नहीं है, बट नहीं नहीं ऐसे ही है। तो एक काम करते हैं, ये जो केक केक वाला पोर्शन है, ये हम बाकियों के लिए मेरे लिए रख लेंगे, और ये जो ड्राई फ्रूट्स है, आप ये खाना, आपका प्रसाद। अरे यार, नहीं नहीं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केक की तो कोई वैल्यू नहीं है। हमने मिलके बनाया। हाँ, लेकिन माना कि ड्राई फ्रूट्स मैंने डाले हैं, लेकिन तो है, लेकिन सिर्फ ड्राई फ्रूट ही तो है जिससे केक की वैल्यू बढ़ी, राइट? तो अब वही खाना। एग्जैक्टली, तो मतलब नहीं नहीं, जोक्स अपार्ट, आप ड्राई फ्रूट्स अच्छे बना लेते हैं बुद्धू भी। कोलकाता आज ही? जी मिस्टर भल्ला, ये सिंगापुर के क्लाइंट्स हमारा और आपका बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे अभी कॉल आया था उनका कि वो आज और कल कोलकाता में ही है। इससे अच्छा मौका उनसे मिलने का नहीं मिलेगा। हमारा और आपका जॉइंट वेंचर के लिए ये उनके साथ मीटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं एयरपोर्ट पहुंच के आपको मेरी फ्लाइट की डिटेल दे देता हूँ। गुड, वेरी गुड। बस है ना, कोलकाता क्यों रमन, आज क्यों?
कोलकाता जा रहा हूँ, कारगिल नहीं जा रहा हूँ, क्या हो गया तुझे? क्या करोगे आप वहाँ पे, मतलब आपका ख्याल कौन रखेगा? और आप वहाँ पे पता नहीं कहाँ रहोगे, किस हालत में रहोगे? तू पागल हुई है? अचानक आप जा रहे हो? अरे यार, मैं और मिस्टर मुखर्जी कब से जॉइंट वेंचर की प्लानिंग कर रहे थे, सिंगापुर के क्लाइंट से एक दिन के लिए आए। आई हैव टू गो, सेफ हो गए मेरी जान, कोलकाता जा रहा हूँ, चांद पे नहीं, लैंड करते ही सारी डिटेल दूंगा। एंड फोन तो है ही ना बाबा, हल्की टच में थी। मद्रास इतनी इमोशनल क्यों हो रही है, जैसे कि मैं पहली बार कहीं जा रहा हूं, पागल है बिल्कुल। अच्छा सुन, पापा की एयरलाइन नहीं है ना, चलो पैकिंग करता हूं। अरे यही हूं बाबा, कलकत्ता है यार। जो काम शगुन ने करना था वो अधूरा काम अब तुम करोगे, रमन को मारना होगा तुम्हें। देखो मैंने कोई बचकाना प्लान नहीं बनाया, इट्स अ वेरी स्मार्ट प्लान, और मुझे मना करने से पहले 100 बार सोच लेना, अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं कॉन्स्टेंटली इस डर में नहीं रह सकती कि आपकी जान को कोई खतरा है, क्या करूं मैं? अरे वंदिता, ये क्या रियल डायमंड है? तुम्हें पता नहीं है कि चेन स्नैचिंग के कितने केसेस हो रहे हैं, और तुम खुल्लम खुल्ला पहन के घूम रही हो? अरे मैं तो एकदम फेक ही डालती हूँ हमेशा। हाँ no, actually, वो कॉलेज के बाद पार्टी है ना, तो मुझे लगा कि मैं तैयार होके ही निकलती हूँ। वो तो है, पर वंदिता ये नेकलेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और तुम पर तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, बाला ने दिया है। महंगी होगी ना? मिस्टर सूरज, लेक्चर तो कब से खत्म हो गए, तुम लेट हो गए हो। एक्चुअली मैम, मेरी कार किसी ने डैमेज कर दी थी, रिपेयर करने में टाइम लगा, I'm sorry। लेक्चर के पहले आ जाना, ओके? जी। मेरे हस्बैंड ने जितने पैसे तुम्हें दिए थे उतने काफी हैं कार रिपेयर करने के लिए, अगर और चाहिए हो तो बिल भेज देना। लगता है बाला ने दोनों हाथों से पैसे उड़ाना शुरू कर दिया है, बहुत अच्छा। वंदिता जी भी बहुत एंजॉय कर रही हैं। अच्छा है बेटा, जितना ऊंचा उड़ोगे गिरने में उतना ही मजा आएगा।